हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह हमने बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल्स देखा था कि उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के क्या रूल्स हैं, ठीक उसी तरह बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने के भी कुछ रूल्स हैं। एंड ये रूल्स आपको जो हम लोग डेसिमल में जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए वो ये रूल्स क्या है कि अगर हमारे पास दो हमारे पास बाइनरी नंबर है, ठीक है, जिसको मैं ए एंड बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए एंड बी से। तो ए अगर आपका जीरो है, ठीक है, एंड बी अगर जीरो है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड ये चीज़ आपको डेसिमल में भी होता है कि अगर जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आपका जीरो आता है। तो यही चीज़ आपको बाइनरी में भी फॉलो करना है, ठीक है। सेकेंड क्या है कि अगर हमारा ए जीरो रहता है एंड बी हमारा वन रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो इंटू वन, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ए हमारा वन रहता है एंड बी हमारा जीरो रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। एंड ए अगर हमारा वन रहता है एंड बी हमारा भी वन रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो भी रूल्स हैं मल्टीप्लाई करने के, ये सिमिलर टू हमारे डेसिमल सिस्टम है। एंड दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी कैरी नहीं होता है। जैसे कि अगर आप बाइनरी नंबर का एडिशन करते हैं, वन प्लस वन करते हैं, तो एडिशन आपका जीरो आता है एंड कैरी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वन इंटू वन करेंगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू वन होगा एंड इसमें कोई कैरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा कोई रूल चेंजेस नहीं है डेसिमल से, जैसा डेसिमल में है वैसा ही यहाँ पर भी है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है एंड इस चीज़ को याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एंड इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से क्लियर से समझते हैं। तो मैं बहुत ही बेसिक सा एक एग्जाम्पल लूँगा, जैसे कि मैंने क्या लिया, ए इक्वल टू ले लिया 3, ठीक है, एंड बी इक्वल टू मैंने ले लिया 2, ठीक है। अब देखिए जनरली डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 3 इंटू 2 अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 इंटू 2, अगर 2 3 जगह क्या होगा, 6। ये तो होगा आपका डेसिमल में। अब हम इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, बाइनरी में भी देखते हैं रिजल्ट हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 है, अब 3 का बाइनरी क्या होता है, 1, ठीक है। एंड बी बी इक्वल टू क्या हमारा, 2, अब 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0, ठीक है। ये 2 का बाइनरी होगा एंड ये 3 का बाइनरी होगा। अब हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई, जैसे डेसिमल में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना यहाँ पे, वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 0 ये लिखा एंड हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए ये यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरल मल्टीप्लीकेशन में अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, ये वाला जो डिजिट होता है उसको ऊपर के इधर से इस साइड से मल्टीप्लाई करते जाते हैं सारे नंबर में, ठीक है। तो वैसे ही वही रूल यहाँ पर भी फॉलो होगा, क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 में तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब उसके बाद से जनरल मल्टीप्लीकेशन में भी क्या करते हैं, जब हम एक डिजिट को, ये वाले डिजिट को जो हमारे राइट हैंड साइड में जो डिजिट होता है ऊपर वाले को सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक डिजिट यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, या तो हम छोड़ देते हैं या क्रॉस लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली यहाँ पर समझ में आए, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं ना तो फिर एडिशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, वहाँ पर अगर हमारा ध्यान नहीं जाता है तो फिर वहाँ पर हमारा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरली क्रॉस लिखना हो ताकि दिक्कत ना आए। अब क्या करना है कि 1 से अब हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है इस साइड से, तो 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। एंड फिर इस 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस 1 को पहले इस 1 में मल्टीप्लाई किया, फिर इस 1 को इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। अब इस 1 का कोई किसी साथ मल्टीप्लाई है नहीं एंड इसके बाद कोई डिजिट है नहीं, तब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐड कर देंगे। एडिशन का वही रूल रहेगा जो हमारा पहले से आता रहा है, जो हमने एडिशन बाइनरी एडिशन देखा था। तो देखिए 0 को क्या करना है, ये क्रॉस इसलिए मैंने लगा रखा ताकि यहाँ पर ये ना, क्योंकि कभी कभी हम मल्टीप्लीकेशन में 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो बाइनरी में 0 एंड 1 का सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं क्रॉस लिखते हैं। तो 0 को क्रॉस के साथ ऐड किए तो क्या आया, 0। अब देखिए 0 को 1 के साथ ऐड किए तो क्या आएगा, 1, एंड 1 को इसके ऊपर कुछ है नहीं तो 1 एज इट 1 आ जाएगा। तो ये देखिए बाइनरी नंबर को, दो बाइनरी नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया एंड इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 110। एंड 110
जो हमारा ये बाइनरी आ रहा है इसको डेसिमल में किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? आपको याद होना चाहिए कि ये किस चीज़ का बाइनरी है, ये सिक्स का बाइनरी है। सिक्स का बाइनरी होता है 110। ठीक है, अगर आप भूल गए तो मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा रिविजन करा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, एंड इसके नीचे आपको क्या लिखना है, इस पोजिशन को हम क्या लिखते हैं, वन, इस पोजिशन को हम क्या लिखते हैं, टू, इस पोजिशन को हम क्या लिखते हैं, फोर। ठीक है, क्योंकि टू के पावर में चलता रहता है, टू के पावर जीरो, टू के पावर वन, टू के पावर टू। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये वाला, ये किस चीज़ का डेसिमल है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो इस पोजिशन पर वन है, तो वन इंटू ये पोजिशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर प्लस इस पोजिशन पर क्या है, वन है, वन इंटू ये पोजिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टू को, टू प्लस इस पोजिशन पर क्या है, जीरो इंटू वन। अब इसको ऐड कर देंगे तो वन इंटू फोर क्या होगा, फोर, प्लस वन इंटू टू क्या होगा, टू, एंड जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो होगा, तो उसका ऐड नहीं करते हैं, एंड फोर प्लस टू क्या हो जाएगा, सिक्स। तो आपने देखा कि बाइनरी नंबर का एडिशन करेंगे तब भी सिक्स आ रहा है, एंड डेसिमल में भी एडिशन करेंगे तब भी सिक्स आएगा। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 10, ठीक है, एंड वाई इक्वल टू मैंने ले लिया 5। ठीक है, तो अगर हम लोग जनरली अगर मल्टीप्लाई करें 10 इंटू 5 क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 आएगा, एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 5 आएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको बाइनरी में मल्टीप्लाई करना है, जिसको मैं थोड़ा सुपर करता हूँ। अब देखिए एक्स, एक्स क्या है, एक्स हमारा है 10। ठीक है, और 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010। ठीक है, क्योंकि ये वन पोजिशन, टू, फोर, एट, तो ये 10 का बाइनरी है। ठीक है, बाइनरी पहले आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, या तो आपको 10 एक्स इक्वल टू 10 दे दे, या एक्स इक्वल टू डायरेक्ट बाइनरी दे दे। ठीक है, तो अगर 10 दे देगा तब तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर बाइनरी दे दिया तब आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एंड वाई इक्वल टू आपका क्या है, 5, तो 5 का बाइनरी क्या होगा, 101, ये हो गया 5 का बाइनरी। अब हमें क्या करना है, 10 इंटू 5 करना है, तो 10 मैं पहले लिख देता हूँ 1010, ये मैंने 10 लिख दिया, एंड अब हमें क्या करना है, 5 लिखना है, तो 101। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 10 मैंने लिखा है, ये 4 चार बिट का है। ठीक है, अब 5 लिख रहे हैं, ये 3 बिट का हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, एक जीरो लिख देते हैं। नहीं, जीरो यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, जीरो अगर लिख दीजिएगा तो कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, उस जीरो को वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, या एंड फिर उसको मतलब एंड एंड आपके रिजल्ट में कुछ अंतर नहीं आएगा, लेकिन एक मतलब आपका एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग जीरो नहीं लिखते उसको। अब हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0 किए तो क्या आएगा, 0। 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 किए तो क्या आएगा, 1। जनरल मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं, ये वाला जो डिजिट होता है, ये वाला जो डिजिट होता है, उस डिजिट को इस सारे डिजिट के साथ इस साइड से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, एंड इसको भी मैं मिटा कर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमारा बंद, सॉरी ये अच्छे से नहीं लिखा है, यहाँ पर वन था। ठीक है, इस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, वन के साथ वन। ठीक है, इस वन को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, एंड इस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई किया वन, यहाँ पर मैंने क्रॉस लिखा। फिर इस जीरो के साथ हमें सबके साथ मल्टीप्लाई करना है इस साइड से चलते हुए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का जो जनरल रूल होता है वही रूल फॉलो करेंगे, तो आएगा जीरो 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 एंड जीरो। फिर अब हमें क्या करना होता है, दो छोड़ना होता है। ठीक है, पहले लाइन में एक छोड़ते हैं, दूसरे लाइन में दो, तीसरे लाइन में तीन, वैसे ही करना, सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वन को क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, एंड वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा, वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, एंड इस वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल एडिशन, किस चीज़ का एडिशन करना है, बाइनरी का एडिशन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में हमें वो फीलिंग आ रहा है कि डेसिमल चल रहा है, एडिशन में भी हम डेसिमल चला देंगे, नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि एडिशन में हमें बाइनरी वाला करना है, क्योंकि बाइनरी के एडिशन में और डेसिमल के एडिशन में अंतर है कि 1+1 वहाँ पर 2 हो जाता है डेसिमल में, एंड यहाँ पर 1+1 क्या होता है, 0 होता है विथ कैरी 1। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक जगह आएगा भी वो। ठीक है, तो 0 को यहाँ पर तो हो गया 0, एंड 0+1 क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पर 0+0+0 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए 1+0 तो ये हो गया 1, एंड 1+1 तो 1+1 क्या होगा, 0 विथ कैरी 1। ठीक है, ये कैरी है। ठीक है,
अब यहाँ पर देख, यहाँ यहाँ पर ध्यान रखना कि ये पता चला कि इसको आपने क्या किया, बाइनरी कर डेसिमल में ऐड कर दिया, 1 + 1 2 कर दिया, ठीक है। तो वैसे ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 0 होता है, एडिशन विथ कैरी 1, यहाँ पर कैरी आ गया। कैरी क्या होता है, जस्ट उसके अगले वाले डिजिट पर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 + 0 1 हुआ, एंड 1 + 0 1 हुआ, ये हो गया 1। एंड ये इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो ये एज इट इज 1 आ गया। तो ये तो आ गया आपका बाइनरी का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें ये देखना है कि क्या ये बाइनरी 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। ऐसे तो ये 50 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ यहाँ पे कि देखिए हमारा क्या है, 1 1 0 0 1 0। इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 से, ठीक है। यहाँ पर 4 होगा, इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 4 से। ये क्या है, 8। ये इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 16। इस पोजीशन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये टोटल मिलकर ये पूरा बाइनरी क्या है, 50 का है कि नहीं। तो देखिए 32 पोजीशन पर है, तो 1 × 32 मतलब 32, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। 1 × 16 मतलब 16। इस पोजीशन पर 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 × 2 हो गया 2, यहाँ पर 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये 32 + 16 + 2 क्या हो गया, 50। तो ये आपको ये बाइनरी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 को। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, बाइनरी नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो सिमिलर टू आपका डेसिमल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जैसा है। इसमें कोई आपको कुछ नया रूल नहीं है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि बाइनरी नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।